एक भुर्जी एक बार इस तरह से बनाकर खा के देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है मगर खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। एग या अंडा भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से कट लिया है, 2 छोटा टमाटर, 4 अंडे, हरा धनिया पत्ता, थोड़ी सी अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है और 8 से 10 लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाएंगे। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बड़ा 1 चम्मच ऑयल और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर, स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को हमें 2-3 मिनट हाई फ्लेम में पका लेना है। देखिए प्याज थोड़ा सा पिंकिश हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और इसे भी हमें हाई फ्लेम में थोड़ी देर भून लेना है जब तक कि ना इसका कच्चापन चले जाए। इसे हमने भून लिया है। अब प्याज को मैंने किनारा कर दिया है या साइड कर दिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, मिला लेंगे। साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब हम ड्राई मसाला ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमें हाई टू हाई मीडियम फ्लेम में रख के ही हम एक भुर्जी को बनाएंगे। टमाटर और मसाला को मैंने थोड़ा किनारा कर दिया है या साइड कर दिया है। अब हम इसमें एग डाल देंगे। चारों एग को मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गैस को मैंने हाई फ्लेम में रखा है। देखिए अच्छे से मिला लिया है। गैस को मैंने हाई मीडियम फ्लेम में रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, एक भुर्जी में पाव भाजी मसाला ऐड करके आप खा के देखिए, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इसमें हरा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, मिला लेंगे और हमारा एक भुर्जी बनकर तैयार हो गया है। एक भुर्जी ज़्यादा ड्राई हो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सॉफ्ट यानी थोड़ा सा गीला गीला रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा खुशबू, बहुत ही अच्छा कलर। अब हम इसे पाव के साथ सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 नरम वाला पाव ले लिया है। अब हम इसे बीच में से इस तरह से कटेंगे। दोनों पाव को हमें सेम तरीके से कट कर लेना है। इसे मैंने कट लिया है। अब हम चलेंगे फिर से कढ़ाई में। देखिए कढ़ाई को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन नहीं किया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच बटर डाला और इसी में पाव को इस तरह से सेक लेना है। इसे जो पाव का टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। चाहिए तो आप थोड़ा सा बटर और भी डाल सकते हो। देखिए हो गया है, गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। तो हमारा भुर्जी पाव बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसके ऊपर से थोड़ा सा बटर और डाल दीजिए। ये रहा हमारा भुर्जी पाव। फ्रेंड्स, मेरा ये सिंपल रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।